Hey, I'm back with a very short informational video. Yes, today we are going to talk about the bulletproof materials. तो पीछे आपको दिख रहा होगा, somebody is stopping bullets like this. Yes, that's not a possible thing, but मेरी favorite movie का favorite scene था, तो मैंने उसको यहाँ पर ले लिया. तो yes, अब हम बात करेंगे bulletproof materials होते क्या हैं. But before the bulletproof material, I would like to tell you थोड़ी सी history हम जानते हैं किसकी. पॉलीमर्स की पॉलीमर्स क्या थे कहाँ से आए किसने बनाए क्यों बनाए शुरू में कितना अफोर्डेबल थे अब कितना अफोर्डेबल है अब हमें उनसे क्या फायदा है और क्या नुकसान है पॉलीमर्स आर द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर लाइफ आप चारों तरफ देखेंगे मेटल से ज्यादा यूज हो रहे हैं आपके प्लास्टिक्स इन आवर डे टू डे लाइफ हमारे फोन से लेके हमारे हाथ में रिमोट से लेके इस पैनल से लेके एवरीथिंग कंसिस्ट द पोलीमर तो so यस yes, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा यूजफुल तो हैं ही लेकिन अगर हम प्रॉब्लम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर पोल्यूशन कोई कर रहा है द पोल्यूशन कोजिंग थिंग दैट इज़ वेरी वेरी नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको डिग्रेड भी नहीं किया जा सकता बहुत अच्छे से रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता दैट्स ऑल्सो पोलीमर बट फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन यू मे बी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे बायोडिग्रेडेबल पोलीमर डेवलप हो जाएँ और उनको हमें डिस्पोज करने में कोई इश्यू भी ना हो तो यस ऐसा भी पॉसिबल है नाउ वी आर गोइंग टू टोक अबाउट ए वेरी सिंपल पोलिमर विच वी जो हमारे सिलेबस में भी है और हमारी डे टू डे लाइफ में भी है विच इज़ नाइलोन सिक्स सिक्स इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है काफ़ी अच्छी होती है किसकी वजह से होती है किससे इसको बनाया जाता है क्या आप इसको कर सकते हैं? अगर आप इसके इंस्टाग्राम तो पर मैं वीडियो भी करूंगा 66. See, ये कौन से दो रिएजेंट से मिलकर बनता है किस टाइप की रिएक्शन देता है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे कि आपको दिखाया काफी बड़ा चेन नेटवर्क इसका होता है दो तीन लेयर्स के बीच में एक स्पेशल डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग भी दिखाई है मैं अभी उसको भी एक्सप्लेन करता हूं कि वो किस टाइप की बॉन्डिंग हमारे को यहां पर देखने को मिलती है लेट्स सी तो यहां पर जो एक आपका पॉलीमर का मोनोमर होता है दैट इज बें हेक्स एन वन फोर डाई ओइक एसिड वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स यहां पर आपके पास ये वाला एसिड है छह कार्बन की चेन वाला एसिड है -16 एसिड और इसी टाइप से हमारे पास क्या है एक अमाइन है वी ऑल्सो है ये अमाइन भी हमारा कैसा है सी एच टू सिक्स एन एच टू तो सिमिलरली यहाँ पर दोनों साइड कार्बन की छः-छ़े की चेन है दैट्स द रीजन वी कॉल इट नाइलोन सिक्स सिक्स

हायर इज द स्ट्रेंथ जितना बड़ा मोलिक्यूल होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होती जाएगी एंड द सेकेंड रीजन बिहाइंड स्ट्रेंथ इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट लेयर ऐसी ही एक लेयर ऊपर बन रही होगी और यहाँ पर नाइट्रोजन इज पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव एंड एवरीबडी नोज द बेसिक्स बिकॉज बेसिक्स आर मॉर इंपॉर्टेंट टू द हाइड्रोजन विच इज अटैच टू द नाइट्रोजन विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विदर लेयर गिविंग इट मोर एंड मोर टेंट्रेंथ

तो लेट अस टॉक अबाउट दैट वो किससे बनेगा बेटा यहां पर जो एसिड होगा वहां पर एक बेंजीन रिंग है बेंजीन वन फोर एसिड इज़ द एसिड वी आर यूजिंग हेयर बेंजीन वन फोर डायोइक एसिड इज द एसिड वी आर यूजिंग हेयर एंड सिमिलरली यहां पर जो अमाइन है वो भी डाई अमाइन होगा ताकि लंबी चेन बन सके एंड दैट ऑल्सो कंटेन एन एरोमेटिक रिंग बट यू नो अगर आपने जियो अच्छे से पढ़ी है जैसे कि मैं कहता हूँ रॉकेट साइंस के लिए भी बेसिक साइंसिस की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए भी जियोसी की ज़रूरत पड़ती है अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दो अमाइंस में जो अमाइन हमने पहले पढ़ा और जो अमाइन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इन दो अमाइंस में विच अमाइन इज मोर रिएक्टिव यू कैन ईजिली से सर द प्रीवियस वन बिकॉज इट्स नाइट्रोजन स्लोन पेरा डीलोकेलाइज इन टू द रिंग ओ दैट्स ए डीप केमिस्ट्री तो यस, बेसिकली अगेन द वॉटर गेटिंग रिमूव फ्रॉम द हेयर एंड द लॉन्ग चेन पॉलीमर इज गेटिंग फोर्म्ड इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी क्वाइट हाई एंड इट इज यूज एज द बुलेट प्रूफ मेटीरियल एंड इवन दिस कैवलर इज ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नेम है ना ये एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नेम ट्रेडमार्क नेम है बुलेट प्रूफ मेटीरियल्स के लिए बट द क्वेश्चन अराइजेज इज इट हंड्रेड परसेंट बुलेट प्रूफ क्या ये दुनिया की किसी भी गन की बुलेट को रोक सकता है एंड हाउ मच थिक लेयर यू हैव टू यूज फॉर इट डिपेंडिंग अपॉन द कमर्शियल यूज कि आप किस परपज के लिए किस एरिया के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कमर्शियल चेंजेस तो लाने पड़ेंगे ही बट येस दैट नॉट ए हंड्रेड परसेंट बुलेट प्रूफ कुछ हद तक ये कैसे रोक पाता है बिकॉज लार्ज फाइबर नेटवर्क वेन द बुलेट्स कम्स एट ए वेरी हाई स्पीड बुलेट गेट्स ट्रैप्ड इन टू इट्स एंड इट बुलेट लूज लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेट्स डाउन तो उसके जो पेनेट्रेट करने के चांसेज हैं उसको बहुत लेवल तक ये क्या कर देता है कम कर देता है बट डेफिनेटली ये भी डिपेंड कर रहा है कि बुलेट किस टाइप के गन से किस स्पीड से किस पावर से आ रही है बट कैन वी डिजाइन Uh, सच्चे मतलब बहुत ही कंफर्टेबल लाइक like, ये टी शर्ट हो और मेरी बुलेट प्रूफ हो जाए अगर आप मार्वल्स uh, की मूवी के फैन हैं तो आपने देखा होगा अभी एंड गेम में आयरन मैन ऐसे हाथ करता है और उसका पूरा सूट डेवलप हो जाता है दैट इज ए पार्ट ऑफ नैनो साइंस कि नैनो सूट उसका होता है वरना पिछली मूवीज के अंदर सूट उड़कर आता था और अब की बार उसका सूट जो था वो अपने आप डेवलप हुआ था क्या हम एक ऐसा मटेरियल डेवलप कर सकते हैं कि जस्ट लाइक like, टी शर्ट लाइक दिस कैन बी ए हंड्रेड परसेंट बुलेट प्रूफ येस yes. साइंस इज बियॉन्ड द लिमिट साइंस की कोई लिमिट नहीं होती है जहां लिमिट होती है उससे आगे ही साइंस शुरू होती है तो यस इन द अपकमिंग टाइम्स दैट्स ऑल्सो पॉसिबल अभी तो नहीं है बट आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है देन वट वुड बी द ब्रांच ऑफ साइंस आई वुड बैट कि कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके ऊपर मैं बैट करूंगा कि हाँ वहां से हम ऐसा मटेरियल बना सकते हैं तो दैट विल बी नैनो साइंस बेटा ये ये जो सब्सटेंस है इट इज़ कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल दुनिया का सबसे स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल इसे अभी माना जा रहा है वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट यू कैन से इट इज़ इवन स्ट्रोंगर देन द डायमंड ग्रैफीन एंड इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ नैनो साइंस यू कैन से नैनो केमिस्ट्री नैनो फिजिक्स वट एवर मटीरियल बिकॉज साइंस को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ में हमने ईज ऑफ स्टडी के लिए बांटा है बट इन रियलिटी साइंस इज वन साइंस इज कॉमन तो यस yes, ये साइंस से बना हुआ मटेरियल है ग्रेफीन स्ट्रक्चर होती है इसकी ग्रेफाइट में जैसे कार्बन के एलोट्रोप है ग्रेफाइट उसी की तरह यहां पर कार्बन की अरेंजमेंट होती है एंड इट्स सिंगल वन एटॉमिक थिक शीट जो है इसकी वो भी बहुत फ्लेक्सिबल और टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बहुत हाई रहती है तो आई बेट आई स्पेक्यूलेट डेफिनेटली फ्यूचर नोबडी नोज द फ्यूचर येस ये आज भी बहुत ज्यादा मटेरियल में यूज किया जाता है But its production and its uses are limited now. But what I bet, what I speculate, कि in the upcoming time, ये जो graphene है ये आने वाला है हमारी life का सबसे बड़ा हिस्सा तो अगर आपकी T-shirt के ऊपर एक बहुत अच्छी सी लेयर किसकी बनाई गई है ग्राफीन की आपने टी शर्ट पहन रखी है तो मे बी इट्स पॉसिबल दैट बुलेट स्ट्राइक्स एंड नथिंग हैपन्स टू यू क्या हम इसका यूज इतने स्ट्रॉन्ग material का यूज सिर्फ बुलेट प्रूफ टी शर्ट बनाने के लिए ही कर सकते हैं नहीं दैट्स नॉट द केस कैसा हो अगर हम इसकी एक बहुत अच्छी रोप डेवलप करें एक रस्सी बनाएं और उस रस्सी को चांद पर लगाएं और डायरेक्टली यहां से क्या हो एलिवेटर यूज़ करें जरूरत ही नहीं है किसी स्पेसक्राफ्ट की एंड द रोप मेड फ्रॉम द ग्रेफीन इस सच्चे हाई स्ट्रोंग की इतनी दूर तक भी वो चल सकती है बिकॉज इट्स ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल एलिमेंट तो डायरेक्टली यहाँ से एलिवेटर कहाँ पर जाएगा चांद पर जाएंगे अरे सर कैसी बातें कर रहे हो ऐसा थोड़ी पॉसिबल होता है यस yes, बेटा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है आज से 50, 100 साल पहले अभी जो हो रहा है मार्स पे हम जा रहे हैं हम चांद पे जा रहे हैं हमने री यूजेबल रॉकेट बना लिया है द इंटरनेट इज ऑल्सो बिगेस्ट इन्वेंशन तो यस साइंस इज ऑलवेज बियॉन्ड द लिमिट्स

होंगे या फिर ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे जिनको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशनल या आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वीडियोस के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम रजत ढाका केमिस्ट्री सब्सक्राइब दिस चैनल प्रेस द बेल आइकन थैंक यू सो मच सी यू नेक्स्ट बाय बाय